मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे जो कार्यक्रम है उसमें जो चर्चा का विषय है वो है मूलांक चार। हम आज समझेंगे कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनको कैसा जॉब पसंद होता है और उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने जीवन में, जिससे वो जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे बच सके। तो देखिए, हमारे भारतीय ज्योतिष के मतानुसार तो मूलांक चार है, उसके प्रतिनिधित्व ग्रह, उसका जो प्रतिनिधि करते हैं वो ग्रह है राहु। और यदि हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हर्षल यूरेनस। जो मूलांक चार वाले व्यक्ति होते हैं, एक शब्द में यदि मैं इनको समेटने की कोशिश करूं, खैर मुश्किल है इनको एक शब्द में समेटना क्योंकि इन्हें खूबियाँ बड़ी होती हैं, फिर भी अनुसंधान करता खोजी ये शब्द इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरा, इनको सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ये हमेशा नए नवीन खोजों में विश्वास रखते हैं, समाज की परंपराओं से अलग हट करके इनकी एक थिंकिंग होती है, इनकी एक आइडियोलॉजी होती है। अध्ययन प्रिय होते हैं, अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है। साथ ही अगर किसी चीज़ को इन्होंने पढ़ लिया तो सिर्फ उसी को नहीं मानेंगे, उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कितनी है। यदि मैं घर परिवार की बात करूं तो घर परिवार में एक प्रेम का माहौल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सभी लोग इनके इर्द गिर्द रहें, इनकी आंखों के सामने रहें, लेकिन साथ ही साथ ये जिद्दी बहुत होते हैं। ये अपनी शर्तों पर अपनी जीवन, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी घर परिवार में ये सबके साथ रहेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन जब बात आएगी इनकी आज़ादी की, इनकी स्वतंत्रता की, तो उसी में इनको हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे होते हैं मूलांक चार वाले। जॉब की अगर बात करें इनको, इनकी तो जॉब में ये एक सिक्योर्ड सुरक्षित जॉब ढूंढते हैं जिसमें ज़्यादा टेंशन नहीं हो, इसलिए इन जातकों के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे बेस्ट रहता है। रिस्क लेने से ये घबराते हैं, थोड़ी सी रिस्क कैपेसिटी कम होती है इनकी। अनिल अंबानी जो है इसके एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकते हैं, उनका भी मूलांक चार है। ओरिजिनैलिटी, ओरिजिनल बहुत होते हैं ये, अपने पूरे जीवन काल में ये प्रैक्टिकल अप्रोच को और ओरिजिनैलिटी को बहुत महत्व देते हैं। इनको लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे किसी और के लिए खुद को नहीं बदलना है, अगर कोई मुझे इस रूप में एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये उससे दूरी बना लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, आप बोल सकते हैं। एक अनजाना भय, क्योंकि राहु इनका प्रतिनिधित्व तो करता है, तो राहु का ये स्वभाव है, मन में एक हमेशा अनजाना भय इनको सताते रहता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे किसी फैमिली मेम्बर को खोने की हो, जॉब की टेंशन हो कि जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, इससे इनको थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे चल करके परेशान कर सकती हैं। अगर इनकी कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉम्पैटिबल हो सकते हैं वो मूलांक एक, मूलांक दो और मूलांक सात वालों से, यानी जिनके डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर आता हो, दो नंबर आता हो और सात नंबर आता हो, ऐसे लोग इनके बहुत अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। और स्पेशली एक के साथ तो इनकी बहुत पकती है, एक अंक वाले के साथ यदि मिलकर के ये कोई बिजनेस करें, कोई कुछ भी करें एक अंक वालों के साथ ही, उसमें ये
आगे निकल सकते हैं। अगर मैं इनकी करियर की बात करूं मुलांक चार की, तो मुलांक चार के करियर में सबसे ज़्यादा इनको कंप्यूटर्स एक फील्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा सफल हो सकते हैं, और कंप्यूटर्स में भी ऐसी चीज़ें जिसमें ये कुछ नवीन कर सकें, कुछ नया खोज सकें, जैसे ऐप बनाना, ये सारी चीज़ें जिसमें इनकी जो टैलेंट है इनका, ये यूज़ हो सके। यहाँ एक और चीज़ है, टैलेंटेड ये बहुत होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इनके टैलेंट का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है, मैक्सिमम क्या 60% भी नहीं हो पाता है। जितनी ऊर्जा है इनके अंदर, जितनी क्षमता है इनके अंदर, उसका पूरा लाभ हमारे समाज को नहीं मिल पाता है। उसका एक वजह है कि ये थोड़े से लक के मामले में थोड़े से वीक होते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लक इनका उतना साथ नहीं दे पाता है। यानी अगर यश की बात करें हम, समाज में जो एक व्यक्ति के जो टैलेंट के हिसाब से जो एक प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, जो एक यश मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाता है। जॉब में भी ये मेहनती, अच्छा मेहनती खूब होते हैं, जी तोड़ मेहनत कर देंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे, बॉस इनसे खूब खुश रहता है, और सारे काम जो महत्वपूर्ण काम है, जो जिस काम में बहुत हार्डवर्क की आवश्यकता है, वो इनको पकड़ा देंगे कि आप करें। लेकिन जब बात आती है प्रमोशन की, तो बाजी कोई और मार ले जाता है। ये एक समस्या है, और ये समस्या क्यों है, तो ये समस्या इनके लक की वजह से है। परिवार में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश इनकी होनी चाहिए, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। इसके अलावा मूलांचार के कुछ जातक के मन में ये भावना भी आ सकती है कि इस पूरे संसार में क्या रखा है, कहीं दूर चल करके एकांत में जीवन बिताते हैं, पर ये ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि परिवार से बहुत अटैच होते हैं, पर चूंकि अपनी शर्तों पर, अपनी आज़ादी पर, अपनी ओरिजिनलिटी पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कई बार पारिवारिक उलझनों से उभर करके इनके मन में ये ख्याल आता है। मूलांक चार वाले एक बेहतर समाज सुधारक हो सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव बहुत होते हैं, समाज में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको ये चाहते हैं कि ये बदले, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो चिंतन है, इसका जो मंथन है, ये हमेशा इनके दिमाग में चलते रहता है, और इसकी वजह से ये सोसाइटी को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें क्या करनी चाहिए, इसके लिए इनको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जिससे इनका जो यश का फैक्टर है, जो लक का फैक्टर है, वो बहुत अच्छा हो सके और ये जीवन में तरक्की कर सके। इनको अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो जब ये अगर जिन लोगों की शादी हो गई है, अब उनकी बात मैं नहीं कर रहा, पर जो लोग अभी जिन्होंने अभी शादी नहीं की है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, बर्थडे में 1, 2 और 7 अंक देखें। यदि ये अंक मिलते हैं तो आप सबसे ज़्यादा कंपैटिबल हैं। आपके लिए जो कलर है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वो है वाइट एंड ब्लू। ये दो कलर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या है कि आपको शांति मिलेगी। जिद, एक और चीज़ है इनमें, जिद्दी बहुत होते हैं। अब जिद का की सीमा कभी कभी इतनी पार कर जाती है कि फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार अगर मन में इन्होंने कुछ ठान लिया तो फिर कोई डिगा नहीं सकता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तो ये भी इनमें, ये चीज़ें भी इनमें पाई जाती हैं। साथ ही साथ मूलांक चार वाले व्यक्ति यदि किसी विशेष क्रिएटिव कार्य से जुड़े, जिसमें इनको इनके जो मस्तिष्क की जो उपज है और उसे जो आइडियाज़ इनको मिलते हैं, यदि वो काम करें तो फिर इनकी तरक्की कोई
रोक नहीं सकता, लेकिन ये रिस्क लेने से डरते हैं। और कहा भी गया है नो रिस्क नो गेन, यानी यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो मूलांक चार वाले व्यक्तियों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका जो स्टोन है जो आपको पहनना चाहिए वो गोमेद है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा कि गोमेद आप बिना किसी योग्य ज्योतिषी के सलाह के नहीं पहने, क्योंकि कुंडली में भी स्थिति देखनी होती है, रत्न धारण करने से पहले। अच्छा, एक और चीज़ है, संगति का प्रभाव इन पर बड़ा पड़ता है। अगर इनको जीवन में शुरू से ही अच्छी संगति मिल गई तो ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं ये बुरी संगति में पड़ गए तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, दोस्तों पर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ संगति का मतलब दोस्तों से ही है, अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो उसके लिए भी जान दे देंगे, उसके रंग में ढल जाएंगे, और यदि कहीं संगति खराब हो गई तो उसके रंग में भी ढल सकते हैं ये, और उनके लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। अचानकता, जो अचानक जीवन में चीज़ें होती हैं वो इनके साथ बहुत होती हैं। लग रहा होता है कि अब ये बहुत अच्छा करेंगे, अचानक ही नीचे गिर जाते हैं, और लग रहा होता है कि ये अब कुछ नहीं करेंगे और अचानक कुछ बहुत अच्छा करके सबको चकित कर देते हैं, चमत्कृत कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें राहु की वजह से, क्योंकि राहु अचानकता के ग्रह है, राहु रहस्यमय ग्रह है। कई बार अपनी फीलिंग्स को इतना छिपा लेंगे कि सामने वाले को इनके मन की थाह पा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार अपने सडन बिहेवियर से ये लोगों को शॉक कर देंगे, अचानक नाराज हो जाएंगे, अचानक डोमिनेटिंग हो जाएंगे, और फिर जैसे ही इनको अपनी गलती का एहसास होगा पैर भी पड़ जाएंगे, माफी भी मांग लेंगे, आपसे दूर भी नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मूलांक चार के व्यक्तियों के जीवन में होती हैं। अब आपके लिए सलाह ये है कि एक तो थोड़ा सा आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, साथ ही आप थोड़ा सा जिद जो है आपके अंदर उसको कम करें, और थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएं। ये तीन चीज़ आप करें, आपके जीवन में तरक्की कोई रोकेगा नहीं। हो सके तो दुर्गा माँ की आराधना करें और भगवान शिव की आराधना करें, इसे राहु आपके नियंत्रित रहेंगे और आप जीवन में ऊंचाइयों को छू सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। तो तमाम दर्शकों को, तमाम उन जातकों को जिनका मूलांक चार है, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ सुखद यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।